मैं डॉक्टर तनुरस्तोगी आप सबका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली ब्लीडिंग के कारण। ये कौन सी ब्लीडिंग नॉर्मली हो सकती है और किस ब्लीडिंग के अंदर आपको एकदम डॉक्टर के कंसल्ट की जरूरत पड़ सकती है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली ब्लीडिंग के पांच बड़े कारण। सबसे पहले आता है मेरा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। नॉर्मली क्या होता है, हमारी फीमेल से एग रिलीज होता है और मेल से स्पर्म रिलीज होते हैं, ये दोनों जाके फर्टिलाइज होते हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब 5 से 6 वीक के अंदर ये फर्टिलाइज ओवम हमारे मूव कर जाता है यूट्राइन कैविटी के अंदर और वहां पे जाके वो उसकी वॉल से अटैच हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब क्या होता है, जब हमारा ओवम फर्टिलाइज ओवम जाके हमारी यूट्रस से जाके अटैच होता है, उस समय हमारे यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो रैप्चर हो सकती है, क्रैक हो सकती है, जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग हो सकती है। इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग बहुत स्पॉटी ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, इसे हम मेंसेस के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। ये ब्लीडिंग आपको 2 से 3 दिन तक रह सकती है, इसके बाद ये खुद ही डिसअपीयर हो जाती है। इसमें कोई ज्यादा पैनिक होने की, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, ये अपने आप ही ठीक हो सकती है। अब दूसरा हमारा कारण आता है फिजिकल एक्सर्शन। अब क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो भी ज्यादा वेट लिफ्टिंग करता है, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा हो, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और ऐसे रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे हो जहाँ पे गड्ढे बहुत है, जहाँ की रोड अच्छी नहीं है, तो उस समय क्या होता है, झटकों से हमारा जो अटैच एम्ब्रो, जो हमारे यूट्राइन वॉल से जो हमारा एम्ब्रो अटैच किया है, वो कभी कभी वहां से डिसअटैच हो जाता है और जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें जितना हो सके उतनी ट्रैवलिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। अब तीसरा मेरा कारण आता है हार्मोनल डेफिशिएंसी। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है और दूसरा हमारा एससीजी हार्मोन होता है। ये हार्मोन ही हमारी जो प्रेगनेंसी होते हैं उन्हें मेंटेन करके रखने का काम होता है। अब क्या होता है, अगर इन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी ब्लीडिंग होनी हमें स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इंजेक्शन लेते हैं, मतलब हमें इन हार्मोन्स के सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, मतलब बाहर से इंजेक्शन के रूप में हमें हार्मोन दिए जाते हैं और हमारी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है। अब क्या होता है, जो हमारे 3 मंथ्स निकल जाते हैं उसके बाद हमारी जो प्लेसेंटा होती है वो हमारी फुली डेवलप हो जाती है और फुली मैच्योर हो जाती है। उस समय हमें हमारी जो प्लेसेंटा होती है वही हार्मोन बनाने लग जाती है और हमारे एम्ब्रो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लग जाती है। तो उस समय हमें इतने मतलब हमारी बॉडी का काम नहीं रहता, उस समय हमारी जो प्लेसेंटा होती है वही हार्मोन बनाने का काम करती है। इसलिए स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर हार्मोनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली मिल सकती है और इसकी ब्लीडिंग भी हमें इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसके अंदर हम इंजेक्शन के रूप में हार्मोन्स लेते हैं और हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब मेरा चौथा कारण आता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, या जिसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है वो मूव कर जाता है हमारे यूट्राइन कैविटी के अंदर। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, मगर ये इसके अंदर क्या होता है, यानी कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है वो हमारा ग्रो करने लग जाता है हमारी ट्यूब के अंदर ही। अब ट्यूब में इतना स्पेस नहीं हो पाता है, इतना उसके अंदर स्पेस नहीं होता है कि जो वो हमारी एम्ब्रो को, जो हमारा एम्ब्रो ग्रो कर रहा है उसे स्पेस दे। तो क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे सबसे पहले, हमारे अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारे सबसे पहले पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें ब्लीडिंग होनी भी स्टार्ट हो सकती है। और इसके अंदर हमारे हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारा ट्यूब है वो भी, हमारे जो एम्ब्रो बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारी ट्यूब भी रैप्चर कर सकती है और हमें हैवी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो सकती है। तो पहले हमारा सिम्टम क्या आएगा, शुरू शुरू में हमें पेट में दर्द होना शुरू होएगा, पेट में दर्द होगा, साथ साथ में हमारा जी भी घबरा सकता है और पेट में दर्द होगा, उसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होनी शुरू होगी,
तभी हमें एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद अगर हमारा बाई चांस अगर ट्यूब रैप्चर कर जाती है तो हमें एकदम से हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी, इस मैं आपको एकदम से ही इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है, आप एकदम ही डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब मेरा पांचवा कारण आता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, यानी कि आपका एबॉर्शन हो रहा हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसका क्या कारण हो सकता है। एबॉर्शन का भी कारण हो सकता है या तो आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से बार बार आपको एबॉर्शन हो रहा हो, या फिर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आई हो जिसकी वजह से एबॉर्शन, जिससे वह आपका जो एम्ब्रो है यानी कि जो आपका बेबी डेवलप हो रहा है वो प्रॉपर ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको पॉलिकिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से भी हो सकती है ब्लीडिंग, डायबिटीज है, या फिर आपका जो यूट्रस है वो सही टाइप से डेवलप नहीं है, यानी कि हो सकता है आपके यूट्रस सेप्टेड यूट्रस है या फिर बाइकोनियल यूट्रस है, या यूट्रस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है जिसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग या एबॉर्शन हो सकता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या भी कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली ब्लीडिंग के पांच बड़े कारण बताए हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या कारण हो सकते हैं ब्लीडिंग के वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।